प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी का कार्य पत्रक 19 करेंगे। 18 कार्य पत्रक बच्चों हमने अब तक कर लिए हैं। अगर आप अपना काम नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो देखकर अपने कार्य पत्रक पूरे कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है विद्यार्थी का नाम के साथ, और दिनांक लिखनी है जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। तो हमारा अधिगम क्षेत्र लिखना, तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वर्कशीट में लिखना है। और अधिगम बिंदु है सीखे गए शब्दों को स्पष्ट एवं साफ शब्दों में लिख पाना। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको जैसा लिखा हुआ है उसको पढ़ पढ़ कर दोबारा ही सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है? पहला है बच्चों, चलो पढ़िए और लिखिए, पढ़ना भी है और लिखना भी है। पहला है आपको बोलना है अन्य, ठीक है? पहला शब्द कौन सा है? अन्य, तो आपको देखकर ही लिखना है। दूसरा है व्यायाम। देखो बच्चों, लिखने के साथ साथ आपको बोलना भी है, ठीक है ना? और तीसरा है नन्हा, अगला है प्याज, और फिर है बच्चों न्याय, अवश्य, पंक्ति, प्यास, कन्हैया, विश्वास, श्रीमान, राधे श्याम, ठीक है बच्चों? तो आपको इसको बोल बोल कर सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक लिखना है और अपनी टीचर जी को दिखाना है। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे एक जैसे शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो पहला बच्चों यहाँ पर जोड़े हैं, ठीक है, सेम टू सेम हमें ढूंढना पड़ेगा। पहला है आश्रम, तो आप देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, आश्रम को आश्रम के साथ मिलाया गया है। अगला है बच्चों श्रम, तो आप ढूंढिए श्रम कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट में जाइए, ऊपर से चौथे नंबर पर है श्रम, इसको आप बोलिए सबसे पहले, ठीक है, श्रम। अब बच्चों चलते हैं श्रीमती की तरफ, सेकंड लाइन में बच्चों श्रीमती, और ये है बच्चों श्रीमती, ठीक है, और नीचे उसके श्रीमान श्रीमान, और विश्राम ऊपर देखिए आप तीसरे में नंबर पर विश्राम। तो बच्चों इस तरह से आपको ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से रेखा खींचकर एक जैसे शब्दों को मिलान करना है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में भी सुंदर सुंदर लिख सकते हैं। अब अगला है बच्चों प्रश्न तीसरा, पढ़िए और लिखिए। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद एज इट ही लिखना है, ऐसा कैसा ही लिखना है, ठीक है? चलो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। मैं रेल से कोटा जा रहा था, मैं और वैभव एक ही सीट पर पास पास बैठे थे, हमारे आसपास और लोग भी थे, सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी वैभव बोला, सामान समेटिए, अब कोटा पास ही है। मैंने कहा, लो समेटा सामान। तो बच्चों आपको बोलना है, नीचे देखो मैंने ऐसा ही लिख दिया है, ठीक है? तो आप अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर नोट कर लीजिएगा और अपने टीचर जी को दिखाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए, और आप अपना स्माइल 2.0 का जो होमवर्क है वो भी हमारा वीडियो देखकर पूरा कीजिए और अपने टीचर जी को दिखाइए। थैंक यू।